स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। मैं हूँ नीलम और लॉकडाउन खुल चुका है। आज लॉकडाउन खुलने का दूसरा दिन है और दफ्तर भी खुल चुके हैं। हालांकि कल पहला दिन था, दफ्तर कल ही खुल गए थे। कल भी मैं दफ्तर गई थी और कल मैं जब दफ्तर गई थी तो मैंने घर से लिया था कैब, क्योंकि सामान बहुत था, लैपटॉप था, बैग था, फाइल्स थी बहुत सारी। तो मेट्रो में ट्रेवल करना कल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो इसीलिए कैब से कल मैं गई थी। और आज मैं आई हूँ मेट्रो से और आज मेट्रो के यहाँ जो नज़ारा है काफ़ी खाली है, बहुत भीड़ भाड़ नहीं है। कल जब मैं घर से निकली थी कैब लेके तो रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक जाम था और जब ऑफिस से मैं निकली, मैंने रिक्शा लिया तो बिल्कुल खाली था और रिक्शे पे मैं अकेली थी। और मेट्रो में काफ़ी रश था, हालांकि नियम बनाया गया था कि मेट्रो जो चलेगी, मेट्रो में जो सीटिंग अरेंजमेंट्स होंगे एक छोड़कर एक बैठेंगे और इसके अलावा स्टैंडिंग पोजीशंस नहीं होंगी, लोग खड़े नहीं होंगे मेट्रो में। बट ऐसा हुआ नहीं, लोग काफ़ी खड़े हुए थे। अभी मैं हूँ द्वारका के सेक्टर 10 मेट्रो स्टेशन पे। अगर मेट्रो स्टेशन का अगर नज़ारा देखा जाए तो मेट्रो स्टेशन बिल्कुल खाली है, सिर्फ गिनती के 4-5 लोग हैं जो कि मेट्रो का वेट कर रहे हैं। मेट्रो आने में अभी 5 मिनट शो कर रहा है, 7-8 मिनट के ही डिफरेंस में मेट्रो आ रही है। अभी मैंने मेट्रो ले ली है और मेट्रो के अंदर में और मेट्रो में देखते हैं, मेट्रो पूरी खाली है, 2 लोग ही नज़र आ रहे हैं। अभी मैं लेडीज कंपार्टमेंट में हूँ। लॉकडाउन के बाद आज मेरा पहला दिन है ऑफिस का और ऑफिस में के से अभी मैं निकली हूँ। निकलने के बाद ये रोड काफ़ी खाली नज़र आ रही है, हालांकि अभी 5 बज रहे हैं और ये है शादी को जाने का। आज के व्लॉग को मैं अभी यहीं खत्म करती हूँ। बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया है, बस मैं थोड़ा सा यही इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि लॉकडाउन जैसे ही खुला तो लॉकडाउन के बाद का क्या सिचुएशन था, कैसा नज़ारा था। और अब ये रूटीन डेली यूँ ही बरकरार रहेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।